आप देख रहे हैं एसएससीएन न्यूज और आइए बात करते हैं निषेधाज्ञा के कारण स्वर्गीय डीएन पांडे की प्रतिमा स्थापना का शिलान्यास स्थगित होने की। जमशेदपुर के टिनप्लेट स्थित संजय सद्भावना मार्केट में पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ पांडे की प्रतिमा की स्थापना पर विवाद खड़ा हो गया है। बाजार के अध्यक्ष व दुकानदारों के विरोध के कारण प्रशासन ने वहां निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिससे भाजमो की ओर से प्रस्तावित प्रतिमा स्थल का शिलान्यास कार्यक्रम टल गया है। बताते चले कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा एवं जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय की ओर से टिनप्लेट स्थित संजय सद्भावना मार्केट परिसर में खाली स्थान पर क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ पांडे की प्रतिमा स्थापित कराने की घोषणा की गई थी। उनकी प्रतिमा बनकर तैयार भी हो गई है, जिसकी स्थापना के लिए मंगलवार को संजय सद्भावना मार्केट परिसर में प्रतिमा स्थापना के लिए चबूतरा निर्माण का शिलान्यास प्रस्तावित था। लेकिन इसी बीच बाजार अध्यक्ष सह भाजपा नेता अप्पा राव एवं कतिपय दुकानदारों ने इसका ये कहते हुए विरोध शुरू कर दिया है कि वहां वे अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, जिसके लिए कहीं और जगह नहीं है। इसी बीच चबूतरा निर्माण स्थल पर प्रशासन द्वारा धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई, जिसके कारण शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित हो गया है। वहीं प्रतिमा स्थापना को लेकर भाजमो सुप्रीमो सह जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की राय पर संजय सद्भावना मार्केट परिसर में खाली स्थान पर पूर्व विधायक दीनानाथ पांडे की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिससे किसी को परेशानी नहीं थी। मंगलवार को प्रतिमा के लिए चबूतरा निर्माण का शिलान्यास होना था, जिसके लिए उन्होंने अपने विधायक फंड से चबूतरा निर्माण की अनुशंसा प्रशासन से की थी, लेकिन अब वहां कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। तो की मूर्ति बन गई है, उनकी मूर्ति हमारी कार्यालय में लोगों ला कर रखा है। तो मैंने यहाँ के DDC को लिखा है कि भाई मूर्ति बन के आ गई है, उसके लिए जो आधार बनाना है, इस पर खड़ा रहेगी, वो हमारे विधायक निधि से बनवा दीजिए। एक जगह लोगों ने चुना है और लोगों का मानना है कि वहाँ मूर्ति लगेगी तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वह ऐसी जगह है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वैसे ही खाली पड़ी हुई है और मेन रोड पर भी है। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने लिख दिया है। अगर किसी को विरोध है इसका, वहाँ पहले बताते तो उन्होंने बताया नहीं। अब सामने विरोध आया है तो प्रशासन इसको देखेगा और प्रशासन तय करेगा। प्रशासन हमारी विधायक निधि से अगर उसका आधार बनवाएगा तो हमको खुशी होगी। वहीं स्वर्गीय दीनानाथ पांडे के समर्थक एक युवक ने कहा कि वे अखबारों में शिलान्यास की छपी खबर पढ़कर वहां आए थे, लेकिन यहां आकर निषेधाज्ञा लागू होने की जानकारी मिली। स्वर्गीय दीनानाथ पांडे 15 वर्षों तक क्षेत्र के विधायक रहे, लेकिन उनके निधन के बाद साजिश के तहत उन्हें राजकीय सम्मान से भी वंचित रखा गया, जबकि उस समय इसी क्षेत्र के विधायक CM थे। अब उनकी प्रतिमा स्थापित होने को लेकर भी विरोध किया जा रहा है। कार्यक्रम का मीडिया के माध्यम से मालूम चला था और सूचना व्हाट्सएप में न्यूज में आया था कि आदरणीय स्वर्गीय दीना बाबा का मूर्ति तीन प्लेट मार्केट के सामने, सालनी मार्केट क्या मार्केट है उनके सामने भूमि पूजन होगा। तो उस भूमि पूजन को लेकर के हम लोग आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर आए तो पता चला कि प्रशासन की तरफ से किसी कारण बस क्या कारण है उसका 44 लगा दिया गया, क्योंकि प्रशासन अपना सूझबूझ देखते हुए इस कारण को किया होगा। और यहाँ पर दीना बाबा की मूर्ति जो स्थापित होने वाली थी, दीना बाबा यहाँ के पूर्व विधायक 15 साल तक पूर्वी विधानसभा में अपना सेवा दी और उस समय सेवा दिए हैं जिस समय यहाँ पर वामपंथियों और मार्क्सवादियों की पकड़ थी। उस समय यहाँ पर भाजपा और हिंदुत्व का नाम लेने वाला कोई नहीं था। उस समय से दीना बाबा भाजपा को सींचते हुए 15 वर्ष तक सेवा दिए हुए हैं। पूरा जीवन भर अपना कार्यालय अपने टेम्पो में लेकर चलते थे। हम लोग सुने हैं, लेकिन हम लोग का उम्र उतना है नहीं, हम लोग ऐसे सुने। और वो ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे महान आत्मा को अगर जनतंत्र मोर्चा के युवा मोर्चा अध्यक्ष जो हैं अमित शर्मा जी आगे होकर के और आदरणीय सरयू राय जी के मैंने देख रेख में और उन्होंने करके बाबा का मूर्ति स्थापित करने का विचार किया, जिसके चलते उसको कहीं ना कहीं किसी कारणवश संयंत्र के तहत, जबकि आप लोगों को भी पता होगा कि जब बाबा का स्वर्ग देहांत हुआ था तो उस समय राजकीय सम्मान से भी उनको वंचित रखा गया था, जबकि वो जनप्रतिनिधि यहाँ के पूर्वी विधानसभा के थे और यहाँ के पूर्वी विधानसभा के जनप्रतिनिधि उस समय वर्तमान में लोग मुख्यमंत्री इस राज्य के हुआ करते थे। क्या संयंत्र था, क्या साजिश था, हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत छोटा लोग हैं हम लोग।
तो उस समय राजकीय सम्मान नहीं मिला। तो आज जमशेदपुर की जनता और जमशेदपुर के कुछ संगठन है, जैसे जनतंत्र मोर्चा के अमित शर्मा हो गए, और इसी तरह बहुत लोग संगठन, यहाँ तक अभी कांग्रेस के आनंद जो दुबे भी आए थे यहाँ, सभी लोग का ये दिमाग में हमेशा रहता है कहीं ना कहीं बाबा दीनानाथ बाबा का मूर्ति को यहाँ पर जगह स्थापित किया जाए। वहीं संजय सद्भावना मार्केट के दुकानदार मोहम्मद नसीमुद्दीन का कहना था कि बाजार में ऐसे ही स्थान कम है, उस स्थान पर दुकानदार अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, मूर्ति स्थापित होने से जगह की और कमी हो जाएगी, इसलिए प्रशासन से मांग है कि यहां प्रतिमा स्थापित न कर उसे पार्किंग ही रहने दिया जाए। यह चाहती हम लोग जितना दुकानदार अपनी ही गाड़ियां पार्क करते हैं, जो भी दुकान चलता है अलग आगे मैन रोड है, तो वहां पे जो है कि कहीं भी पार्किंग का जगह नहीं है, इतनी छोटा जगह में काम होता है, यही चाहते कि नहीं हो तो अच्छा है, पार्किंग रहे, मूर्ति उर्ति नहीं है। दिनभर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।